बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू बुखारा लिया है और थोड़ी सी इमली ली है। इसमें हम पानी डाल के इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम भगो देंगे। तो चले अब हम मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पर 6 से 8 घंटे हो चुके हैं, आलू बुखारा अच्छे से फूल चुका है। तो अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं। तो ये देखिए, हमने आलू बुखारे को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसी तरह इमली को भी हाथों की मदद से मैश करेंगे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हम अच्छे से मैश कर चुके हैं। तो अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो सकें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह अब हम इमली को भी छान लेंगे। तो जो तरीका आपको मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान है और जब आपका दिल करे तो आप इस तरह से फ्रेश शरबत बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लिया है। तो अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। आप टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। तो अब हम इस चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इसे एक जग में डाल लिया है। अब हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे और इसको ठंडा करके हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।